हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र से एक और बुरी खबर आ रही है। बता दें आपको, पिछले 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या 2095 तक पहुंच गई है। मुंबई में 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी अकेले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, महाराष्ट्र की बात की तो महाराष्ट्र का सबसे प्रभावित शहर मुंबई की भी बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को फर्जी पास देकर उनसे ठगी करता था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह एक पास बनाने के लिए 5,000 से 10,000 रुपए तक वसूलता था। मुंबई के मशहूर महालक्ष्मी रेस कोर्स में कोरोना से लड़ने के लिए 300 बेड का स्थायी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। 400 बेड का एक और पंडाल बनाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा स्थायी अस्पताल में 126 बेड का आईसीयू वार्ड भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग तरह की खबरें हम महाराष्ट्र से, मुंबई से खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये पूरा जो बुलेटिन है 8:30 का, वो दिल्ली मुंबई स्पेशल ही है। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खतरे के बीच एक उम्मीद जगाने वाली खबर भी आई है। जी हाँ, मुंबई यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक महाराष्ट्र में अब कोरोना के पहले से कम मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, ये एक उम्मीद जगा देने वाली खबर है। रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि मुंबई में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,598 नए केस आए और 85 लोगों की मौत हुई। मुंबई में भी एक दिन में 1,467 नए केस आए और 38 लोगों की जान चली गई। कोरोना ने मुंबई शहर को जकड़ लिया है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बीच मुंबई यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने उम्मीद जगाई है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हाटिकर के मुताबिक केस पहले से कम आ रहे हैं। 5-6 दिन से हमारे जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या में घट हो रही है। जैसे हम ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास गए थे, अब 2,500, कल परसों शायद इशारा 2,000 से नीचे भी हम चले जाएंगे। नीरज हाटिकर की बात से उम्मीद तो जग रही है, क्योंकि 24 मई को 3,041 नए केस आए थे, वहीं 28 मई को महाराष्ट्र में 2,598 केस आए। केस कम होने की एक वजह मुंबई से मजदूरों की घर वापसी भी है, खासतौर से हॉटस्पॉट धारावी से, जहां बड़ी संख्या में मजदूर रहते हैं। धारावी में देखा जाए, धारावी में आज जो हमारा सबसे बड़ा हॉटबेड था, वहां पर अभी केसेस का ग्रोथ रेट 2.5% हो गया है। पर पूरे महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा तेजी से ऊपर जा रहा है। 26 मई को 97 लोगों की मौत की खबर आई। 27 मई को सबसे ज्यादा 105 लोगों की मौत हुई, वहीं 28 मई को 85 लोगों की जान गई। लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाटिकर के मुताबिक रिकवरी रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट कम हो रहा है, जो अच्छे संकेत हैं। रिकवरी रेट काफी बढ़ रहा है। जैसे हमारा रिकवरी रेट अप्रैल तक जो हमारा रिकवरी रेट था, हाँ, तो हमारा 20-22, अभी आज हमारा रेट 30 के ऊपर गया है। और डेथ रेट जो हमारा है वो डेथ रेट घट रहा है। जैसे अप्रैल में हमारा डेथ रेट जो 7% था, अभी आज 3.3% एक देश के आसपास लेवल पे आ गया है। नीरज हाटेकर का ये भी दावा है कि महाराष्ट्र में 21 जून तक ग्राफ नियंत्रण में आ सकता है, बस लोग नियमों का पालन करें और सरकार का साथ दें। हम को डर की चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमको नियम, हमारे जो कायदे हैं उनको पालना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर में रहना है। देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के कोरोना से जुड़े आंकड़े अब आपके सामने रख देते हैं, ताकि आप ताजा स्थिति से रूबरू हो सके। कोरोना में संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में 59,546 तक पहुंच गई है, वहीं 1982 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। ठीक हुए मरीजों की बात करें तो संख्या यहां पर 18,616। तो महाराष्ट्र के बाद अब हम आपको मुंबई शहर के आंकड़े दिखा देते हैं। मुंबई शहर में क्या स्थिति है, कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मुंबई शहर बना हुआ है, और ये मुंबई के आंकड़े हैं। कुल केस अभी तक 35,485 हैं, 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है और 10,000 से ज़्यादा लोग मुंबई में ठीक भी हो चुके हैं। तो ये आपके हम आंकड़े दिखा रहे थे देश के कोरोना कैपिटल के। दावा है हमारा, वादा है हमारा, सुबह 8:30 बजे
एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में मुंबई और दिल्ली की कोई खबर नहीं छूटेगी। अब देखिए ना, ये खबर बिल्कुल अलग तरह की है। आपने अभी तक एमपी, राजस्थान और यूपी में सुना होगा टिड्डी दल के हमले की खबर को, लेकिन अब ये खबर आ गई है महाराष्ट्र से। बता दें आपको, गोंदिया, भंडारा और नागपुर में भी खेतों पर टिड्डी दल पहुंच गया है किसानों की फसलों को बर्बाद करने के लिए। स्थितियां आपके सामने देखिए, हजारों की तादाद में टिड्डी दल पहुंचा और कुछ घंटों में किसानों की फसल को सफा चट करके चला गया। चलिए दिल्ली मुंबई समाचार में अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन नेता उधार के सबूतों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, अस्पताल के अंदर के वीडियो बाहर आ रहे हैं, अस्पताल के अंदर के वीडियो शेयर कर रहे हैं ये नेता और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। नेता रक्षा नीति के बजाय राजनीति पर जोर दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मतलब रक्षा नीति के बजाय राजनीति पर जोर। देखो कहाँ रोटी कितनी अच्छी आ रही है, सारे मरीज को खानी है, वो कैसे खाएगा, उसका पेट कैसे भरेगा। केजरीवाल साहब थोड़ा ध्यान देना, आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का ये वीडियो अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने शेयर किया है। आरएमएल अस्पताल ने माना है कि वीडियो सही है, लेकिन वीडियो शेयर करने के बाद सिरसा ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। अब सिरसा शायद ये भूल गए कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल केंद्र के अधीन है, इसलिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खाने की सही व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिख दी। पर सवाल ये है कि लोकनायक अस्पताल का क्या जो दिल्ली सरकार के अधीन है। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस अस्पताल का भी एक वीडियो शेयर किया है, देखिए। एलएनजेपी हॉस्पिटल जब मुझे यहाँ लाया गया तो मैंने देखा अपने आसपास सर, यहाँ पे इर्द गिर्द मुर्दे पड़े हुए थे सर, उनको देख के मेरे को बहुत बेचैनी हुई सर, सारी रात सर मैं चैन से नींद सो नहीं पाया सर। अस्पतालों की हालत खराब है, लेकिन नेता राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियां उजागर कर रहे हैं। बेहतर होगा कि संकट काल में सब मिलजुल कर काम करें और जनता की जान बचाएं। तो आपने देखा, दिल्ली में रक्षा नीति के बजाय राजनीति जोर मार रही है। दिल्ली की दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना से बुरा हाल है, कुल केस का आंकड़ा अब तक 16,000 के पार पहुंच गया है। दूसरी तरफ नेता मौत के आंकड़े से लेकर अस्पताल में बेड को लेकर जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जनता की जान की चिंता किसी को नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं, वो भी ऐसे वक्त में जब सबसे ज्यादा केसेस मुंबई के बाद अब दिल्ली में आने लगे। दिल्ली में एक दिन में 1024 नए केस, 24 घंटे में सबसे बड़ी संख्या, कुल केस का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली शहर कोरोना का नया केंद्र बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में 316 लोगों की मौत हो चुकी है, ये खतरा बढ़ते केस की वजह से और बढ़ रहा है। 26 मई को 412 केस आए, 27 मई को 792 केस आए, वहीं 28 मई को 1024 केस। लोग मर रहे हैं, लेकिन नेता रक्षा नीति की बजाय मौत के आंकड़े पर लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कोरोना श्मशान, कोरोना कब्रिस्तान बने हैं, वहां के आंकड़े अलग कह रहे थे, सरकार उसको कम दिखा रही, तो ये आंकड़ों की हेरा फेरी क्यों, ये एक बड़ा सवाल का जवाब देना चाहिए दिल्ली सरकार को। डेथ ऑडिट कमेटी ने जो मौत का आंकड़ा जारी किया है वो पूरी तरह से सच है, सही है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद ये मौत के आंकड़े पे सवाल उठा रहे हैं। कोरोना के इस आपातकाल में अस्पतालों में बेड की कमी पर भी कुश्ती चल रही है। 6617 में 3314 होम क्वारंटाइन है, आप उनको बेड नहीं दे पा रहे, उसमें कई लोग हमें फोन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, हमें बेड दिलाओ, हमें एक पुलिस का जवान बेड खोजता वो संसार छोड़ दी। 4,000 बेड हैं जिसमें से 1,500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं,
2500 बेड्स अभी खाली हैं सरकार में। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। नेताओं की इस लड़ाई में आम जनता परेशान है, डरी हुई है कि संक्रमण अगर फैला तो उन्हें इलाज कैसे मिलेगा और उनकी परवाह कौन करेगा। नमस्ते भारत में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर भी कोरोना काल से जुड़ी हुई है। कोरोना को हराना है तो जीवन को सामान्य करना होगा। सामान्य कैसे करेंगे? कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। वो जान और जहान, यही तो बात लगातार सरकार द्वारा कही जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया, बाजार खोल दिए ताकि खरीदार बाजार में आए। लेकिन प्रतिमा हो क्या रहा है? खरीदार नदारद है, ये हो रहा है। दुकानदार कंफ्यूज है। सारे सुरक्षा उपाय उन्होंने अपनाए हैं, उसके बावजूद ग्राहक गायब है। क्यों, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। दिल्ली में तिलक नगर मार्केट, एक दुकान खुली एक दुकान बंद, एक दुकान खुली एक दुकान बंद। दिल्ली में बाजार खुलने की ये ऑड इवन व्यवस्था है। कमर्शियल मार्केट में दुकानों को नंबर दिए जाएंगे, जो नंबर 2 से भाग देने पर बंट जाए वो इवन, ना बटे तो ऑड। पर इस गुणा भाग में बाजार सूने और व्यापारी कंफ्यूज हैं। एक दुकान खुलेगी एक बंद रहेगी। अब रेजिडेंशियल जो है, कॉलोनी की शॉप जो है वो खुलेंगी। अब जो कमर्शियल मार्केट है, एक दुकान बंद रहेगी एक खुली रहेगी। बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया। एक दिन एक दुकान बंद, दूसरे दिन खुली जैसी बाजार व्यवस्था अपनाने का मकसद भीड़ और संक्रमण घटाना था, दूरी का नियम बरकरार रखना था। दुकानदारों ने सुरक्षा के दूसरे इंतजाम भी पूरे कर लिए, पर ग्राहक भ्रम और डर की वजह से नहीं आ रहे। ग्राहक आ रहे हैं, मतलब इक्का दुक्का, मगर हमारी दुकान रिक्वेस्ट यही है दिल्ली गवर्नमेंट से कि ये ऑड इवन हटा के दुकानें सारी खोल दे, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो उन्होंने प्रिकॉशंस बोली हुई हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो गाइडलाइंस हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, सारे दुकानदार पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी भी बाजार के सूनेपन की वजह मानी जा रही है।